हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए आज मैं आपको एक फॉल्ट रिजॉल्व करके दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल लाइव होगा और कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आपके किसी भी ब्रांडेड लैपटॉप में, चाहे वो लेनेवो हो, एसर हो, डेल हो, सोनी हो, आई थिंक कोई भी आपका लैपटॉप हो, और आपका जैसे USB नहीं चलता है, या आपका कीबोर्ड नहीं चलता है, वर्क नहीं करता है, या आपका टच पैड भी काम नहीं करता है, तो आपको दोस्तों अपने लैपटॉप को डिसेंबल करने के बाद आपको ये वाली जो IC है इसको आपको चेक करना होता है, ठीक है। ये कंट्रोलर होता है मदरबोर्ड का, जो कि सारी डिवाइस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मॉइस्चर दिखाई देगा। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कहाँ पे इसमें मॉइस्चर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए 3-4 पिनों पे मॉइस्चर है, जिसके रीजन से, जिसकी प्रॉब्लम से ये आपका जो टच पैड है या कीबोर्ड है, जो भी आई थिंक ये डिवाइस कनेक्ट करने पे आपका वर्क नहीं करती है, ये इसी कंट्रोलर की वजह से करती हैं। आप इसको IP से क्लीन कर सकते हैं, और सोल्डिंग आयरन यदि आप चलाना जानते हैं तो सोल्डिंग आयरन से आप इसको ड्राई सोल्ड कर सकते हैं, आपकी 110% प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। नहीं होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपको उससे भी बेटर कोई ऑप्शन बताएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।